नमस्कार मित्रों, आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट 2 दिन से कंप्यूटर सूचना तकनीकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हम लगातार जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न संबंधित है इन सारे एग्ज़ाम से, चाहे आपका UPSSC हो, बैंक हो या अदर कोई भी स्टेट का कंपटीटिव एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना तकनीकी पूछा जाता है, जैसे कि सुपर टेट में 5 मार्क्स का आता है, CCC ARO और बैंक के एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सब की श्रेणी में हम लोग बहुत बेसिक से अभी चल रहे हैं। अभी हमने आपको जो 2 सेट कराया है वो बेसिक कंप्यूटर था, हिस्ट्री कंप्यूटर था। अब हम लोग धीरे धीरे आर्किटेक्चर और ऐसे टॉपिक वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको आगे भी लगातार ऐसे ही सेट कराते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। आप लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करिए, ताकि अगर कोई भी समस्या हो या हम तो आपकी वो सॉल्व की जा सके। ठीक है, चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज सेट 3 हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सेट 3 का, किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया? इनमें से किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर का निर्माण किया? याद रखिएगा, जब आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे कभी, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ है, उसी से धीरे धीरे कब कैलकुलेटर आया, कब आपका अबेकस आया, कब आपका एनालिटिकल इंजन आया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जॉन माउटली, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी हार्वर्ड आइकन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्लेज पास्कल, इसीलिए इसे मैकेनिकल कैलकुलेटर को पास्कल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने पंचकार्ड का आरंभ किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने पंचकार्ड का आरंभ किया? ऑप्शन ए जैक वार्ड, ऑप्शन बी पावरस, ऑप्शन सी पास्कल और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों याद रखिए, इनमें से तीनों लोगों ने पंचकार्ड का आविष्कार नहीं किया था। क्वेश्चन 54, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? ऑप्शन ए जॉन माउटली, ऑप्शन बी जैक वार्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज और ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का जो विकास था वो भी चार्ल्स बैबेज ने ही किया था, क्योंकि एलाटिकल इंजन जो कि डिफरेंस इंजन है उसको बनाकर इसने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। चार्ल्स बैबेज जो थे एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, इन्होंने ही कंप्यूटर का, इसीलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 55 क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन डी नोटबुक। तो आपको पता होगा सुपर कंप्यूटर इसका सही जवाब है। जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आप पढ़ेंगे तो सुपर कंप्यूटर आपका आता है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है, जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े देशों में एक या दो ही होते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर और ऑप्शन डी एनालॉग कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर आप का ना होके, इसमें आपने देखा होगा हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के कंप्यूटर को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक, एनालॉग कंप्यूटर भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए, आज के जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रे क्या है, या आप कह लीजिए क्रे 1, कभी कभी इसे क्रे 1 भी कहा जाता है, क्रे या क्रे 1 क्या है? तो क्रे या क्रे 1 जो है, ऑप्शन में आपके माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, क्रे 1 जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रे 1। देखिए मित्रों, हम आपको जब आपकी क्लास लेंगे तो आपको इसका पूरी हिस्ट्री, कब हुआ, विकास कैसे आया, किस देश ने विकसित किया, किस कंपनी द्वारा हुआ, ये सारी डिटेल आपको क्लास में बताएंगे। अभी तो हम आपको केवल क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहे हैं लगातार। बहुत जल्दी हम आपकी लाइव क्लासेस में
आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें हम करवाएंगे। 58 क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ? जब आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा तो देखिए पांच जनरेशन है कंप्यूटर की, पांच जनरेशन है या कह लीजिए पांच पीढ़ी है, जो कि 1942 से स्टार्ट होकर आज तक चल रही है लगातार, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसमें इन पीढ़ियों के अनुसार लगातार परिवर्तन भी हुआ, नए नए आविष्कार भी हुए। करंट में पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है, ठीक। तो ऑप्शन मल्टी प्रोग्रामिंग का है, तो प्रथम आप पीढ़ी होगा, बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी और डी चतुर्थ पीढ़ी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो हुआ है मित्रों, वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। फिफ्टी नाइन क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? अभी अभी इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपसे कहा कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन था मित्रों, पहला सुपर कंप्यूटर स्क्रेवन था, जिसका निर्माण कब हुआ पूछा है क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, कभी टाइम पूछता है, कभी नाम पूछता है, कभी देश पूछता है। तो अमेरिका में निर्माण हुआ क्रेवन का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 59 क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1976 और ऑप्शन डी 1995। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्रेवन का निर्माण सन 1976 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अभी इसमें 59 भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, क्रेवन याद रखिएगा वो भी बहुत पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आप देखिए, अभी जो आपसे अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है या क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे खूब पूछा जाता है कभी न कभी। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बुद्ध। तो याद रखिएगा मित्रों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, 61 सबसे तेज कंप्यूटर होता है। अभी भी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में सबसे तेज तीन ऑप्शन थे, उसमें भी सुपर कंप्यूटर था, तो यहाँ पे भी सबसे तेज कंप्यूटर की बात हो रही, तो ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर ही सही होगा। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ये नहीं होंगे। क्योंकि इफ़िशियंसी के बेस पर हम देखें, मेमोरी के बेस पर देखें, सबसे ताकतवर या सबसे तेज कौन होगा, सुपर कंप्यूटर ही होगा। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, या इसे दूसरी तरीके से ऐसे पूछा था, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। दोनों प्रश्न एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। तो ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास या माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए। अगला प्रश्न आपका, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 63 पूछा है आपसे। देखिए इस प्रश्न में दो तीन प्रश्न और बन सकते हैं, अभी आप आंसर जैसे ही जानेंगे उससे। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है, परम 2000, इसके बाद लगातार इनकी सीरीज आई आपकी, ठीक है। अब ये सीडैक पुणे द्वारा निर्मित किया गया था, सीडैक पुणे द्वारा भी अगला कुछ क्वेश्चन आगे भी आएंगे, सीडैक पुणे द्वारा भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, गणना यंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? गणना यंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो गणना यंत्र अबेकस जो है, आप देखे होंगे बहुत सारे प्राइमरी स्कूल में आपका एक कई सारी मूर्तियां एक बड़े से फ्रेम में लगी हुई थी, बच्चों को सिखाने में गिनती कराने में गणना करने में सहयोग के लिए होता है। तो इसका विकास 200 से 300 ईसा पूर्व चीन में किया गया। कहाँ किया गया इसका? चीन में किया गया। भारत ऑप्शन ए भारत, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन चीन है चाइना, ऑप्शन डी यूनान। तो इसका सही आंसर होगा चीन में एबेकस का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन अगला आपका, आई मैक एक प्रकार का है, ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी प्रोग्राम और रजिस्टर। आई मैक एक प्रकार का मशीन है यानी कि एक प्रकार का कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? देखिए मित्रों, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपसे जिक्र किया था, एक्सप्लेनेशन में बताया था। देखिए चार्ल्स बैबेज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि चार्ल्स बैबेज ने
बहुत मेहनत किया। 1820 से इन्होंने कंप्यूटर बनाने में अपना योगदान शुरू कर दिया। ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत सारी खोज की। चलिए अब ऑप्शन ए जी एकल, ऑप्शन बी एवा लवलेस, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन डी सीमेन कोर्ट स्कोप। तो इलेक्ट्रिकल इंजन का आविष्कार जो है चार्ल्स बैबेज ने किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया? देखिए इसके पहले भी अभी क्वेश्चन आपसे इसके ऊपर भी था, मैंने इनमें से कोई ऑप्शन नहीं लगाया था। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया, सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया? जोसेफ मेरी, ऑप्शन ए बी चार्ल्स बैबेज, सी जॉन मॉकली, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी। देखिए पंचकार्ड का उपयोग सर्वप्रथम जोसेफ मेरी ने किया। ठीक है, पंचकार्ड आप जानते हैं पहले क्या होता था, कार्ड के रूप में मेमोरी का उपयोग किया जाता था, तो पंचकार्ड आपका ठीक। अगला प्रश्न, 68 कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इन चारों ऑप्शन में पूछा गया है मित्रों, इन चारों ऑप्शन में आपका देखा जाए चार्ल्स बैबेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जोसेफ जैकार्ड, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी वॉन न्यूमान। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। बहुत लोग कह रहे हैं सर अभी तो कहा कंप्यूटर के विकास में चार्ल्स बैबेज ने किया। मित्रों याद रखिएगा, चार्ल्स बैबेज ने आधुनिक कंप्यूटर की संरचना रखी, आधुनिक कंप्यूटर का एक बेस दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर बना नहीं पाए, लेकिन उनका योगदान था, उन्होंने पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। लेडी अगस्टा और वॉन न्यूमान, ये दो नाम है यहाँ पे ऑप्शन में, लेडी अगस्टा नहीं है। इस लेडी अगस्टा और वॉन न्यूमान ने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के विकास में अपना योगदान दिया। लेडी अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इन दोनों ने मिलकर, वॉन न्यूमान और लेडी अगस्टा ने मिलकर कंप्यूटर में बहुत विकास दिया, और इन्हीं दोनों के बल पे ही जो आधुनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और इन सब की बात करते हैं हम, इन्हीं दोनों के बल पे आगे चल के विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? खूब पूछा जाता है, आईसी या चिप इसे कहते हैं, आईसी या चिप कहते हैं सर्किट। आप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन बी सी वी रमन, ऑप्शन सी रॉबर्ट नायक और ऑप्शन डी जे एस किल्बी। तो ऑप्शन डी सब सही आंसर है, जे एस किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया। अगला प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? देखिए 69 और 70 क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, 69 और 70 क्वेश्चन। ये पे आप 69 आपका ये भी खूब पूछता है, आईसी का निर्माण किसने किया, विकास किसने किया, आविष्कार किसने किया, और चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम परऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है। 71 क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? याद रखिएगा मित्रों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन बी गणना और ऑप्शन डी लॉजिकल। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर हमेशा गणितीय संक्रियाओं मतलब गणना पे कार्य करता है, गणना कार्य करता है। ठीक, 72, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो मैंने आपसे अभी इसके पहले वाले प्रश्न में जिक्र कर ही दिया था, ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी सी डैक, ऑप्शन डी बार्क। तो ऑप्शन सी, यहाँ पे सी डैक पूरे मैंने आपको बताया कि भारत में विकसित परम कंप्यूटर का आविष्कार सी डैक बेंगलोर, सी डैक पुणे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्न में से तेज कौन सा है? ये देखिए मेमोरी आपने पढ़ेंगे, मेमोरी को स्टोर करने वाले जैसे रैम है आपका, कैसे ये है, तो इनमें से इन चारों में से पूछ रहा है कि तेज कौन सा है। तो रजिस्टर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी डी रोम, रैम ऑप्शन सी डी कैसे। देखिए ये सारे तेज होते हैं, कैश मेमोरी आप देखते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, सी डी रोम आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रजिस्टर इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सबसे तेज इन चारों ऑप्शन में रजिस्टर सबसे तेज होता है। 74 क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ईनियाक बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। क्वेश्चन है आपका, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया ईनियाक? तो याद रखिएगा 1943 में ईनियाक बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका पूरा नाम था।
इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है तो इसको भी याद रखिएगा। तो 74 क्वेश्चन का ऑप्शन ए वान न्यूमान, ऑप्शन बी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोसले, ऑप्शन सी जोसेफ मेरी और ऑप्शन डी चार्ल्स बैबिस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोसले। ठीक, तो मित्रों ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लगातार इस सीरीज़ में करा रहा हूँ, और भी आगे आपको मैं पर डे आपको ये सीरीज़ मिलती रहेगी। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, सारे विषयों पे ध्यान दीजिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर की भी आप तैयारी करिए, पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं हमको, ठीक है। और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें लगातार मिलती रहें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।